नमस्कार आपण देखते अर्गस अपडेट आपण विस्मी प्रथम हेडलाइंस बालेश्वर ओडंग पंचायत 68 नंबर बूथ रे उत्तेजना बीजेपी पोलिंग एजेंट को माड़ मारी दुर्बृत्त फरार सेपटे एक नंबर वार्ड रे बीजेडी पाई टंका बांटुवा अभियोग रे महिला अटक 60 नंबर बूथ रे चिरकुट बांटुछे पुलिस तीर्तोड़ भी आसला सांघातिक अभियोग भोट ग्रहण में हेरफेर घरे ना बेले जड़े भोटर ना चंचकता करी भोट दि जाता अभियोग अनशन में बसले 80 वर्षिया वृद्धा बालेश्वर तीर्तोड़ उपनिर्वाचन पर मतदान जारी दिन गोटाए सुधा 40.51% मतदान बालेश्वर 41.36% तीर्तोड़े 39.68% भोटिंग कोविड कटक चली भोट ग्रहण बिहार द्वितीय पर्याय भोट ग्रहण जारी कोविड कटक 17 जिलार 94 सेट पर चली मतदान दिन गोटाए सुधा बिहार 32.44% भोटिंग प्रति बूथ में सुरक्षा कड़ाकड़ी राजधानी में मतिले गंजे माफिया दाविका कंधमाल भुवनेश्वर को आसुला गंजे पुलिस हाथ में दुई अभियुक्त गिरफ लक्षाधिक टंकर गंजे जबत गंजाम प्रमोदीन को न्याय केबे हत्यार 6 मास पर कार्यानुषान सुन सीबीआई तदंत दाबी आरडीसी कार्यालय सम्मुखें पर लोकों धारणा सन्देहजनक भाव नदीपठ उद्धार होता मृतदेह आमेरिका चली राष्ट्रपति निर्वाचन मेल बालाट्रे 70% भोट ग्रहण आमेरिकार न्यू हमसायर आरंभ है प्रथम भोटिंग देखा संपूर्ण खबर बालेश्वर ओडंग पंचायत उत्तेजना 68 नंबर बूथ रे गंडगोल बूथ रे बीजेपी पोलिंग एजेंट को माड़ जहाँ को नहीं पूरा अंचल उत्तेजना देखाई यापर घटनास्थल पुलिस फोर्स मुतयन करे दुर्बृत्त जनक घटनास्थल फरार हो जाता जमापड़े पूरा शासन कल साजिश बीजेडी एजेंट देखु बालेश्वर में मतदान चली केमी चिरकुट बंटा चलती आजे पुलिस अफिसर जोड़ चिरकुट बांटुवार दृश्य देखा जाए बालेश्वर बूथ नंबर 60 वीडियो एवं भाइराल होबार लगी बूथ में नियोजित पुलिस सुरक्षा दायित्व में ना शासन दल पाए पुलिस दायित्व को नहीं उठी प्रश्न निर्दिष्ट दल पर कम कर पुलिस यह कौन आचरण विधि उल्लंघन नुहे कि अनेपटे बालेश्वर एक नंबर वार्ड एवं 160 नंबर बूथ घटना संपर्क में प्रतिक्रिया रखिंट निर्वाचन अधिकारी सुशील कुमार लोहारे से कहते घटना संपर्क में जाणी पर तदंत निर्देश दि जाए पुलिस यार तदंत करुच्छे तेज निर्दिष्ट प्रमाण मिले ना एवं तदंत जारी रही है जिते खबर रिटर्न रिपोर्ट आसनी जे खबर मुझे कलेक्टर टू पचार बुझी किसी प्रूफ हो पारि ना किंतु से पुलिस तंगर इन्वेस्टिगेशन चालू जगतसिंहपुर जिला तीर्तोड़ में आसला सांघातिक अभियोग 204 नंबर बूथ में भोट ग्रहण में हेरफेर जोड़े भोटर ना चंचकता करी भोट दि जाता अभियोग तो घरे नी मो भोट देला किए बोली प्रश्न उठाई 80 वर्षिया वृद्धा चंचला प्रधान संबलपुर गाँव वृद्धा भोट देवाई आसता बेले भोट दि जाते बूथ दायित्व या प्रिजाइडिंग अफिसर पूर्व भोट पोस्टाल बालाट्रे दि जाने कहते प्रिजाइडिंग अफिसर यह प्रश्न उठाइवा सह बूथ आगे अनशन में बसी 80 वर्षिया वृद्धा सेपटे भोट दिन टंका कारबार मयूरभंज महिला आसी बालेश्वर नोट बांटुवा अभियोग संगीन कथा सामना को आसी बालेश्वर एक नंबर वार्ड रु जो जड़े महिला एवं तांकस किसी समर्थन को लोक घेरी जाते शेषे सदर थाना पुलिस अटक रखी से ही महिला जनक तेज सब बड़ कथा से ही महिला एवं तांकस समर्थक शासक बीजेडी दल होता अभियोग कर स्थानीय बासिंदा बालेश्वर भोट पाई टंका बंटा मयूरभंज महिला बालेश्वर में बांटुले टंका एभली संगीन अभियोग आसी बालेश्वर सदर निर्वाचन मंडल
पुरुणा बालेश्वर एक नंबर वार्ड कहुच्ची आदिवासी साहि चली भोट किणा किसी समर्थकों सह महिला जनक टा बांटा आसा कहार भितर किसी स्थानीय लोकों हाबुड़ में पड़ जाते महिला ठीक अच्छे किंतु भौणी घर आप कल आसते चल था ना पर दिन आसे चल किंतु आगे आज जो निर्वाचन टाइम रे बहुत टाइम रे सर आहरी तीन चार जन चार तो गाड़ी कहीं छाड़ गले बाइक कहीं छाड़ गले इलेक्शन टाइम टंका बांटी अभियोग इलेक्शन टाइम टंका बांटापी इलेक्शन टाइम टंका बांटापी बालेश्वर रे विजयी बीजेडी टंका फर्मुला एभली अभियोग आनी स्थानीय बासिंदा आउ महिला संदेहजनक उत्तर यही कथा को आहरी प्रमाणित कर ठीक अच्छे किंतु भौणी घर आप कल आसते चल था ना पर दिन आसे चल किंतु आगे आज जो निर्वाचन टाइम रे बहुत टाइम रे सर आहरी तीन चार जन चार तो गाड़ी कहीं छाड़ गले बाइक कहीं छाड़ गले इलेक्शन टाइम टंका बांटी अभियोग इलेक्शन टाइम टंका बांटापी इलेक्शन टाइम टंका बांटापी बूथ पाखे निर्वाचन दिन महिला कौन काम था से सतरे भौणी घर को आसी ना टंका बांटा को आसते जदि लोकंर अभोग सत ताहति सांघातिक कथा जहाँकि निरपेक्ष निर्वाचन और शासक दल स्वच्छ निर्वाचन दाबी उपरे प्रश्न उठाई 112 ए बूथ एठार किसी सका सका कि शासक दल तुंग नेता जो मान घर मयूरभंज बालेश्वर डिस्ट्रिक्ट भी नुहे से सका आसी एठार टंका बांटुवर आम देखा पालू जिते मुझ खबर पाइल मुझ तुरंत आसमु विरोध कल विरोध करने सहित मत देखिकी से चारु पांच जन पा बाइक छाड़ी दौड़ी पलैले आउ किसी बाइक सह भी पलैले किंतु सेठार उपस्थित थे जो मैडम आपको भिजुआल आसुव देखिए से मैडम आउ से सार जी आसते से आम पिला अटक रखिले आम ग्रामवासी मैंने अटक रखिले अटक रखी बर्तमान टाउन थाना आईआईसी एवं नोडल अफिसर को कल कर डकई हैंडओवर करेलु आम बास जानापी चाहूँ शासक दल गोटे 28 वर्षर पिला 28 वर्षर पिला को हरेवाई नाके दम होगला साड़ी बांटी टंका बांटी तथापि मन पुरला गीता धरी शपथ करूँ शपथ कर आपण मैंने भोट देवे छी 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 सरकार जो जना पड़ू से स्पेसीफिक बूथ नंबर तो मोर मन ना कि जो कम्प्लेन आसूची आम से पुलिस प्रम्प्ट आक्शन नौ जे भी किसी भोटर मान प्रलोभित करने कि चेषा करुच्ची तो विरोध में आईन अनुसार जहाँ कार्य ना कथा कार्यानुषान ग्रहण कर घटना को नहीं देखा जाता उत्तेजना पुलिस भी पहुंची महिला को सदर थाना अटक रखी पचराउचरा कर बालेश्वर वीडियो एनालिस्ट ज्ञानरंजन प्रकाश महांती का रिपोर्ट अर्गस आसवा परवर्ती खबर को बालेश्वर सदर एवं त्रितोल उपनिर्वाचन चली भोटिंग सकाल 7:00 आरंभ हो मतदान दिन गोटाए सुधा 40.51% मतदान बालेश्वर 41.36% भोटिंग होता बेले त्रितोल 39.68% मतदान बालेश्वर सदर एवं त्रितोल उपनिर्वाचन 15 जन प्रार्थी भाग्य निर्धारण कर 4.5 लाख रु अधिक मतदाता कोरोना कटकणा भितर चली भोट ग्रहण समस्त पोलिंग एजेंट स्क्रीनिंग करा जाई सुस्थ ऑफिसर को नियोजित करा जाई छि प्रति बूथ गुड़ी को सानिटाइज करा जाई छि 3500 पोलिंग कर्मचारी समेत 800 आशा कर्मी एवं 800 स्वेच्छासेवी को नियोजित करा जाई छि समुदाय 6 कंपनी केंद्रीय सुरक्षा बल 90 प्लाटून पुलिस फोर्स मुतयन 251 पुलिस अफिसर नियोजित अच्छा भोट सकाल 7:00 संध्या 6:00 जाए हेबो आसंता 10 तारीख रे निर्वाचन फलाफल घोषणा करा जिवो तेज संपर्कित अधिक सूचना पाई आम सहित बालेश्वर जोड़ना प्रतिनिधि रोशन नाथ रोशन वर्तमान अपडेट कौन रही आ,
ଦେଖନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱ ସକାଳ 7 ଭୋଟିଂ ଚାଲିଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ 3 ପାର ହୋଇଯାଇଛି ଏବଂ ଯାହା ଇଲେକ୍ସନ୍ କମିଶନଙ୍କ ଅଫିସରୁ ଯାହା ସୂଚନା ଆସୁଛି ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ତିର୍ତ୍ତୋଲ ଅପେକ୍ଷା ବାଲେଶ୍ୱରର ମତଦାନ ଅଧିକ ହୋଇଛି, ଅର୍ଥାତ 41% ପାଖାପାଖି ବାଲେଶ୍ୱରରେ ମତଦାନ ହୋଇଛି ଏବଂ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ କୋଭିଡ଼ ପରିଚାଳନା ଭିତରେ ଯେଉଁ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ରହୁଥିଲା ଯେ ଲୋକ ହୁଏତ ଭୟଭୀତ ଥିବେ, ଲୋକ ହୁଏତ ଭୋଟ୍ ଦେବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରିବେ ନାହିଁ, ହୁଏତ ଆସିବେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏ ସବୁ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଦୂର ହୋଇଛି ଏବଂ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଲଗାତାର ଭୋଟିଂ ଚାଲିଛି ସବୁ ଯେକୌଣସି ପଞ୍ଚାୟତ ହେଉନ କାହିଁକି, ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପଞ୍ଚାୟତର ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇଛୁ, ବିଭିନ୍ନ ବୁଥ୍ର ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇଛୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ 3 ଉପରେ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଅଛୁ କଷିପଦା ପଞ୍ଚାୟତରେ, ସିଧାସଳଖ ଭିଜୁଆଲ୍ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ମହିଳାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବେଶ୍ ଉତ୍ସାହ ରହିଛି, ଲମ୍ବା ଲାଇନ୍ ଲାଗି ରହିଛି ଏବଂ କିଭଳି ଭାବରେ ସମସ୍ତେ ମତଦାନ କରି ନିଜର ଯେଉଁ ନେତା ବାଛିବେ, କାରଣ ଠିକ୍ ଗୋଟାଏ 1.5 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ସମସ୍ତେ ମତଦାନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ବିଧାୟକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ପୁଣି ଥରେ ଯେହେତୁ ଉପନିର୍ବାଚନ ହେଉଛି ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଉତ୍ସାହ ରହିଛି, ଏସବୁ ଭିତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ ମଧ୍ୟ ଚିତ୍ର ଆସୁଛି, ଅଧିକାଂଶ ସ୍ଥାନରେ ଯାହା ଆମେ ଖବର ଆସୁଛି ଯେ ବିଭିନ୍ନ ବୁଥ୍ରେ 50%ରୁ ଏବଂ ଭୋଟିଂ ହୋଇସାରିଲାଣି, କିଛି କିଛି ସ୍ଥାନରେ କିଛି କିଛି ଗଣ୍ଡଗୋଳର ମଧ୍ୟ ଆବାସ ଆସୁଛି ଏବଂ ସେସବୁ ସ୍ଥାନରେ ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ଯାହା ବି ପରିସ୍ଥିତି ଉପୁଜୁଛି ତାକୁ କିଭଳି ଭାବରେ କାବୁ କରାଯିବ ସେ ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ଆଗକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦିଆଯାଉଛି, ତେଣୁ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ କୁହନ୍ତୁ କିମ୍ବା ସରକାରୀ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପକ୍ଷରୁ ସମଗ୍ର କୋଭିଡ଼ ନିୟମ ମାନି କିଭଳି ଭାବରେ ଭୋଟିଂ ପରିଚାଳନା କରାଯିବ ସେ ନେଇ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି, ତେଣୁ ଯାହା ଆଶା କରାଯାଉଥିଲା ଯେ ଏଥର ଉପନିର୍ବାଚନରେ ଅଧିକ ଭୋଟିଂ ହେବ ଏବଂ ଭୋଟିଂର ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ ଅଧିକ ରହିବ ତାହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଅପଡ଼େଟ୍ ଆସୁଛି ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟାରେ ଥରେ ଇଲେକ୍ସନ୍ କମିଶନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରୁ ସେଥିରୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଉଛି ଯେ ପୂର୍ବଥର ଅପେକ୍ଷା ଏଥର ଏ ଯେଉଁ ଉପନିର୍ବାଚନରେ ଅଧିକ ଭୋଟିଂ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, କିଛି ମହିଳା ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା, ପଚାରି ବୁଝିବା ଆପଣ କେତେ ସମୟ ହେଲା ଏଠି ଠିଆ ହେଲେଣି, 15 ମିନିଟ୍, କେମିତି ଲାଗୁଛି ଏଇଟା ଗୋଟେ ନୂଆ ଷ୍ଟାଇଲରେ ନିର୍ବାଚନ ହେଉଛି ଯଦି କହିବା, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗ୍ଲୋଭ୍ସ ଦିଆଯାଉଛି, ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁହଁରେ ମାସ୍କ କମ୍ପଲସରି ରହୁଛି, ଭିତରକୁ ଗଲେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାନିଟାଇଜ୍ କରାଯାଇ ଥର୍ମାଲ୍ ସ୍କ୍ରିନିଂ କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁ ନୂଆ ପରିସ୍ଥିତିରେ ହେଉଛି ନିର୍ବାଚନ ତାକୁ ଆପଣ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ତ ପୂର୍ବରୁ ବହୁତ ଥର ପୂର୍ବରୁ 2019ରେ ବି ଭୋଟ ଦେଇଥିବେ, ଏବେ ପୁଣି 1.5 ବର୍ଷ ପରେ ନିର୍ବାଚନ ଭୋଟ ଦେଉଛନ୍ତି, କେମିତି ନେତା ବାଛିବେ ବୋଲି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ଦେଖୁଥିଲେ। ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆପଣ କେତେ ସମୟ ହେଲା ଠିଆ ହେଲେଣି ଏଠି? କୋଭିଡ଼ ପରିଚାଳନା ଭିତରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଭୟ ରହିଥିଲା କିନ୍ତୁ ଉପନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଦେଖୁଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଆଗ୍ରହ ଅଛି, ନିହାତି ଭାବରେ ବିସ୍ମି ଦେଖୁଥିଲେ ଯାହା ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ବେଶ୍ ଆଗ୍ରହ ହେଉଛି, ତେଣୁ 15 ମିନିଟ୍ରୁ 20 ମିନିଟ୍ ଅଧଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ ଏଠି ଲାଇନ୍ରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛନ୍ତି। ଆଉ କିଛି ଚିତ୍ର ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ଚାହିଁବି କିଭଳି ଭାବରେ ଭୋଟିଂ ସେଣ୍ଟର ଭିତରେ କିଭଳି ଭାବରେ ଭୋଟ୍ ପରିଚାଳନା କରାଯାଉଛି ତାର ମଧ୍ୟ ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣ ସିଧାସଳଖ ଚିତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ପୁଲିଂ ଅଫିସରମାନେ ରହିଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ସେଫ୍ଟି କିଟ୍ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁହଁରେ ମାସ୍କ ରହିଛି, ହାତରେ ମଧ୍ୟ ଗ୍ଲୋଭ୍ସ ରହିଛି ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ସୋସିଆଲ୍ ଡିଷ୍ଟେନ୍ସିଂକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇ କିଭଳି ଭାବରେ ଭୋଟରମାନଙ୍କର ପରିଚୟପତ୍ର ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଉଛି, ତାଙ୍କ ହାତରେ କାଳି ଲଗାଯାଉଛି ଏବଂ ଯେଉଁ ଭୋଟ୍ ପରିଚାଳନା ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି ତାକୁ ଭୋଟ୍ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉଛି। ନିହାତି ଭାବରେ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ରୋଶନ ଆପଣ ସମସ୍ତ ସୂଚନା ପାଇଁ। ଅନ୍ୟପଟେ ଆସିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରକୁ, ବାଲେଶ୍ୱର ସଦର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ 200 ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପୋଲିଂ କର୍ମଚାରୀ ନିୟୋଜିତ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ବୁଥ୍ରେ କୌଣସି ଅସୁବିଧା କିମ୍ବା କୋଭିଡ୍ ସଂକ୍ରମଣ ହେବାର ନଜର ଆସେ ସେମାନଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଉକ୍ତ ବୁଥ୍ରେ ପହଞ୍ଚିବେ। ଏହାସହ ପୋଲିଂ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ 2000 PPE କିଟ୍, ଗ୍ଲୋଭ୍ସ, ସାନିଟାଇଜର, ମାସ୍କ, ଫେସ୍ ଲିଡ୍ ଆଦିର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। 85 ଉତ୍ତେଜନା ପ୍ରବଣ କେନ୍ଦ୍ରରେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯିବା ସହ CCTV ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଛି। ମତଦାନ ପୂର୍ବରୁ ମତଦାତାଙ୍କ ଶରୀର ଉତ୍ତାପ ମପାଯିବା ସହ ବୁଥ୍ ସାନିଟାଇଜ୍ କରାଯିବ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଏହା ସହିତ ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଏବଂ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ସେପଟେ ବିହାରରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଭୋଟିଂ ଚାଲିଛି। କୋଭିଡ୍ କଟକଣାରେ ସକାଳ 7 ମତଦାନ ଜାରି ରହିଛି, ଦିନ ଗୋଟାଏ ସୁଦ୍ଧା 32.8
8.2% मतदान होछे। बिहार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मध्य वोट देछन्ते। तेबे 17 जिलार 94 सेट पई चालीछि वोट ग्रहण। 1463 प्रार्थीक भाग्य निर्धारण करुछन्ति बिहार जनता। सुरक्षा दृष्टि वोटिंग हेबाकु थिबा समस्त विधानसभा क्षेत्र रे 44 धारा लागू होछि। कोनोसी सार्वजनिक स्थान रे 4 अधिक लोक एकाठी हेबा उपरे कटकणा लागिछि। पाटनार सबु सीमा कु सील करा जायछि। राजरास्ता रे पुलिस करुछन्ति फ्लाग मार्च। द्वितीय पर्याय रे सारण रे 10, पाटना रे 9, नालंदर 7, बेगूसराय रे 7 सेट पई मतदान चालिछि। 28 अक्टूबर रे प्रथम पर्याय निर्वाचन रे 71 सेट पई होतला वोटिंग। तबे संपर्कित अधिक सूचना पई आम सहित बिहार सदासल को जोडिना प्रतिनिधि इमरान खान। इमरान, जदि कहबा आपन मते जहां सूचना दउथिले कि गोटाय सुधा 32.21% मतदान होईछि, वर्तमान दिन 3टा बाजलानी, वर्तमान मतदान केते रहैछि एवं वोटरक मूड कोन रहैछि? बिस्मी, देखन्तु वर्तमान बिहार विधानसभा रे द्वितीय पर्याय मतदान चलछि। सकाळ 7 रु मतदान प्रक्रिया जारी रहैछि एवं समस्त वोटर माने आसिकी वर्तमान तांकर मत सब्यस्त करछन्ति। जेहेतु द्वितीय पर्याय रे 94 आसन पई मतदान होछि एवं 17 टि जिल्ला रे एही मतदान प्रक्रिया जारी रहैछि, जहाँ वर्तमान सुधा रहैछि जे 2.86 कोटी रु ऊर्ध्व वोटर एथिरे मध्ये सामिल होछन्ति, समस्त वोट दछन्ति। किंतु दिन 3टा सुधा, जहाँ वर्तमान सुधा इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया पक्षरु जे सूचना मिलिछि, 41.65% मतदान 3टा सुधा मध्ये होइछि। किंतु वर्तमान मतदान प्रक्रिया जारी रहैछि। मु सीधासळख दृश्य वर्तमान देखेबी, मु अछि वर्तमान जो पटना जिल्लार बांकीपुर विधानसभा निर्वाचन मंडळरे, जेउठी जहाँ सशक्त मतदान केन्द्र बोली कहुछि, सेथिपई एठी विभिन्न प्रकारर स्वतंत्र व्यवस्था मध्ये करा जाउछि। सीधा सडक दृश्य देखुथिबे, जो माने वरिष्ठ नागरिक अछन्ति, जो माने दिव्यांग अछन्ति, तांको पई एठी स्वतंत्र व्यवस्था करा जाइछि। व्हील चेयर व्यवस्था करा जाइछि, ता सहित जो स्पेशली बैटरी चालित गाड़ी रहिछि ताहा निर्वाचन आयोग पक्षरु मध्ये अतिनित माने मुत्यन मध्ये करा जाइछि। सेमाने जो दिव्यांग एवं जो वरिष्ठ नागरिक अछन्ति वोटर माने तांको नेकि तांको जागाकु नेकि छाडिबे एवं मतदान केन्द्र को मध्य आणिबे। ता सहित जो कोरोना कटकणा रहिछि ताकु दृष्टि रखिकि एठी हैंड सैनिटाइजर व्यवस्था करा जाइछि। ता सहित स्वतंत्र ग्लोव्स मध्य एठी व्यवस्था करा जाइछि, जो माने आसिबे तांकु हातकु सैनिटाइज करा जइबो, ता सहित तांकु स्वतंत्र ग्लोव्स दिया जइबो, थर्मल स्क्रीनिंग करा जइबो, परे सेमानकु मतदान केन्द्र को मध्य छोडा जइबो। एवं ता पर आउ किछि दृश्य मु देखेबी, एठी आई एम ए प्राउड ऑफ वोटर रो गोटे एठी सेल्फी जोन मध्य एठी तयारी मध्य करा जाइछि, जो माने आसिबे तांको पई मध्ये स्वतंत्र व्यवस्था एठी करा जाइछि। एवं ता सहित एठी गाड़ी देखुथिबे, जो बैटरी चालित गाड़ी रहिछि, जो माने वरिष्ठ नागरिक अछन्ति, जो माने दिव्यांग वोटर अछन्ति, तांको पई से व्यवस्था करा जाइछि। सेमाने आसिबे तांको पई मध्ये ही स्वतंत्र गाड़ी व्यवस्था निर्वाचन आयोग पक्षरु मध्ये करा जाइछि। ता सहित बाहर जो वॉलंटियर माने रहुछन्ति, जो माने निर्वाचन आयोग पक्षरु मध्ये अछि नियोजित अछन्ति, सेमाने मध्ये तांको नेके जीवा आसबा करछन्ति। एवं आउरी किछि दृश्य एठी देखुथिबे, मु स्टेशनक दृश्य वर्तमान देखेबी, वरिष्ठ नागरिक जने बसछन्ति, से मध्ये वोट देबा पई मध्ये एठी आसछन्ति। एवं जेहेतु आउरी किछि दृश्य मध्ये देखिबे एवं पाखापाखि आपण जाणिथिबे, जेहेतु बिहार रे आजि 94 आसनरे 17 जिल्लारे मतदान होउछि, सुरक्षा व्यवस्था को कड़ाकड़ी भाव में कराई। वर्तमान मुझ जो निर्वाचन मंडली अच्छी जहाँ बांकीपुर विधानसभा निर्वाचन मंडली कहते, एटी 3 प्रमुख दल प्रार्थी मध्ये निर्वाचन लड़ते, बीजेपी पक्षर नितिन नवीन अच्छा, कांग्रेस पक्ष शत्रुघ्न सिन्हा पुअ लव सिन्हा निर्वाचन लड़ते, और स्वाधीन प्रार्थी पुष्पम प्रिया चौधरी निर्वाचन लड़ते, जहाँकि से बुथ को पूरा पूरी भाव में सशक्त मतदान केन्द्र मध्ये कहा जाउछि। सेतिपई एठी स्वतंत्र व्यवस्था देखा जाउछि। आरो किछु दृश्य वर्तमान मुझे देखाइबे एठाकार, जे एठी आई एम ए प्राउड वोटर गोटे सेल्फी जोन मध्ये करा जाइछि, जेउठारे जो वोटर माने छथि, जो माने वोट दियंथि, सेमाने आसिकि मध्ये एठी सेल्फी मध्ये नउछन्ति। तार दृश्य मध्ये किछु समय पूर्वरु मु देखाउथिलि, एबे किन्तु दृश्य आपण देखुथिबे। ता सहित जो वोटर माने छथि, सेमाने केमिति सुरक्षा आसिकि वोट देइकि जिबे, ताकु मध्ये अधिक एठी गुरुत्व देउछि। आपण स्टेशनक दृश्य देखुथिबे, किछु वोटर अछन्ति जो माने वोट देइकि आसिले, तापर सेमाने सेही सेल्फी जोन पाखरे छिडा हेकि सेल्फी नउछन्ति, जेहेतु एठी सेमानक पई ही व्यवस्था करा जाइछि। जो माने स्वतंत्र वोट दउछन्ती वोटर माने छन्ती, तांक पई ही स्वतंत्र व्यवस्था करा जाइछि। ता सहित मु आउर किछु दृश्य मध्ये देखिया पई मु चाहिबी, एठी जो मतदान केन्द्र रहिछि किपर भाव में भितर तर स्वतंत्र व्यवस्था मध्य रही है, जेहेतु ये देखुथे जो मतदाता मैंने सुरक्षित आसबे, सुरक्षित रही कि भोट देखे जी अधिक गुरुत्व दीजिए। आप देखुए सीधा सड़क दृश्य, किसी भोटर मैं आसमें सीधा सड़क प्रतिक्रिया नहीं बुझा कौन कौर कौन रही प्रतिक्रिया कौन रही, जेहतु अनुभव नुआ अनुभव कर समस्त लागू रही, जेहतु कोरोना कटक निर्वाचन होती मतदान होती, समस्त को स्वतंत्र ग्लोव्स दि जाऊँगी, हाथ को सानिटाइज करा
କରାଯାଉଛି, ଥର୍ମାଲ ସ୍କ୍ରିନିଂ କରାଯାଉଛି, ତାପରେ ସେମାନେ ଯାଇକି ମତଦାନ କେନ୍ଦ୍ର ଭିତରେ ଯାଇକି ସେମାନେ ଭୋଟ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏବଂ ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଲା ଯେ ଏହି ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ନିର୍ବାଚନରେ ବିହାର ବିଧାନସଭାର ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ତେଜସ୍ୱୀ ଯାଦବ ମଧ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ୁଛନ୍ତି। ସେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ସକାଳେ ଯାଇକି ଭୋଟ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ତା ସହିତ ଅନେକ ନୀତିଶ ସରକାରଙ୍କର ଅନେକ ମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ନିର୍ବାଚନୀ ମଇଦାନରେ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଭାଗ୍ୟକୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରୁଛନ୍ତି ଭୋଟରମାନେ। ଏବଂ ଯେହେତୁ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ବିହାରରେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଅଧିକ କଡ଼ାକଡ଼ି ଭାବରେ କରାଯାଇଛି, ପାଖାପାଖି 1200 କମ୍ପାନୀ ପୋଲିସ ଏଠି ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଖାସ କରିକି ଯେଉଁ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଏଠି ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି। ତା ସହିତ ବିହାରର ପୋଲିସ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଠି ମୁତୟନ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ଅନ୍ୟପଟେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେହେତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ତିନିଟା ସୁଦ୍ଧା ଯେଉଁ ମୁଁ କହୁଥିଲି 41.65% ମତଦାନ ହୋଇଛି ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟା 6 ଯାଏଁ ସମୟ ଅଛି, ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲେ କେତେ ପ୍ରତିଶତ ମତଦାନ ହେଉଛି। କାହିଁକି ନା ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ନିର୍ବାଚନ 28 October ହୋଇଥିଲା, ସେଦିନ 54% ଇମ୍ରାନ ସବୁ ଭିତରେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି କରୋନା କଟକଣା ଭିତରେ ଯଦି କହିବା ବିହାରରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଭୋଟିଂ ଚାଲିଛି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଇମ୍ରାନ ଆପଣ ସମସ୍ତ ସୂଚନା ପାଇଁ। ସମସ୍ତ ରଖିବା ଅଧିକ ଖବର ପାଇଁ ଆପଣ ଭିଜିଟ୍ କରିପାରିବେ ୱେବସାଇଟ୍ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ନମସ୍କାର।